अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा फ़ारूक है और आप देख रहे हैं ई कॉम डाउ। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही कॉमन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि अभी सबको इशू आ रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें खुद मुझे खुद बताते खुद मुझे भी इशू आ रहा था कि हीलियम 10 के ऊपर हम लोग लॉग इन नहीं कर पा रहे, ब्लॉक हुआ हुआ है। और आपको पता है कि मेन प्राइवेट लेबल जो है अमेजोन प्राइवेट लेबल हीलियम 10 से ही होता है और पाकिस्तान में कहीं भी एक्सेस नहीं हो पा रहा। ये चीज़ तकरीबन 3-4 दिन हो गए ये इशू आ रहा है और मल्टीपल लोगों को ये इशू आ रहा है कि आप लोग अपने हीलियम 10 को एक्सेस नहीं कर पा रहे और आईपी ब्लॉक आ रही है, पूरे पाकिस्तान में ये इशू आ रहा है। और इसकी रीज़न मल्टीपल है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम पाकिस्तानी आईपीस पे हो रही थी जिसकी वजह से उन्होंने इसको बैन किया है। सबसे पहले चले वीडियो के स्टार्ट में आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने इसको अनब्लॉक कैसे करना है। हम लोग पाकिस्तान की आईपी में रहते हुए, पाकिस्तान की टेरिटरी में रहते हुए कैसे हम हीलियम 10 को यूज़ कर सकते हैं। इसके दो तरीकेकार हैं, एक पेड होगा और एक अनपेड होगा। दोनों में आपसे डिस्कस कर लूँगा, आपको जो बेहतर लगता है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा मेरा भी हीलियम अभी तक, अगर मैं हीलियम नॉर्मली ओपन करता हूँ, helium10.com लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये ब्लॉक ही आ रहा है। ये रहें जी, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि ये एरर आ रहा था, अब इस एरर को फिक्स कैसे किया जाए। चलिए, ये एरर मैंने दिखा दिया आपको लाइव कि ये एरर बिल्कुल आ रहा है अभी। अब इसको फिक्स कैसे करना है? इसके फिक्स करने के दो वेज हैं। एक ये है कि हम लोग पेड, हमारे पास चले जी पेड, हम लोग जो टास्क है इसका वीपीएस बाय कर लें। वीपीएस क्या होता है? वीपीएस एक डेडिकेटेड सर्वर होता है जिस जो कि यूके, यूएसए, कनाडा, किसी भी एक कंट्री का आप ले लें, उसके ऊपर पूरा महीना आप अपने helium10 के अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, आपका लॉगिन हो जाएगा। ये भाई याद रखिएगा, सिर्फ पाकिस्तानी आईपीस के ऊपर इशू आ रहा है। अगर आप ये पेड काम होता है, इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कौन सा वीपीएस लेते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से तकरीबन 20 से लेके $25 तक के अच्छा वीपीएस मिल जाता है, वो आप यूज़ कर सकते हो जो पेड काम है। और एक फ्री वर्जन क्या होगा, आप वीपीएन कर लें, करके दिखाता हूँ वीपीएन अब कैसे करना है। अभी मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना वीपीएन लॉगिन करूँगा, यहाँ पर स्टार्ट वीपीएन। और क्योंकि मेरे यहाँ से वीपीएन जो है क्या करेगा, मेरी टेरिटरी, मेरी लोकेशन जो है चेंज कर देगा। और अब जैसे ही मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया है तो यू कैन सी यहाँ पर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई है, यानी कि अब हमारा हीलियम का अकाउंट लॉगिन लेने के लिए रेडी है। नेट थोड़ा स्लो हो जाएगा नो डाउट, लेकिन इस टाइम फॉर टाइम बीइंग यही इशू आ रहा है। अगर आप वीपीएस ले लेंगे तो फिर नेट स्लो नहीं होगा आपका। तो ये मैंने आपको दोनों वेज बता दी, थोड़ा लोड हो जाता है तो आप लोगों का आइडिया प्रॉपर हो जाएगा कि ये वाकई, ये देखिए अब हो गया ओपन। तो सिंपल वे है, तो इतना मुश्किल नहीं है। मजीद अगर आप चाहें तो मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा सकता हूँ, मेरे अपने अकाउंट से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा कह लेंगे टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और यहाँ पर जाके अब मेरे पास जो अकाउंट है मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, तो यू कैन सी ये लॉगिन भी हो गया हुआ है। अब मेरे से वेरिफिकेशन मांगेगा डाटा की, वो मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूँ कहते हैं, तो मैं इसको भी वेरीफाई कर कर आपको मैं इसको लॉगिन भी करके दिखा देता हूँ। ये ले, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक किया मैंने, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस का आंसर किया। जैसे ही मुझे चलें, अब दोबारा मैंने वीपीएन ऑन किया अपना और मैं यहाँ पर इसको लॉगिन कर लूँगा। ये मेरा helium10 जो है वो लॉगिन हो गया, ठीक है। ये ले, सिंपल वे है, मैंने दोनों वे बता दिए। वीपीएन से काम स्लो होगा, 2 घंटे का काम आपका 3 घंटे में जा सकता है, लेकिन काम हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो वीपीएस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसमें पे करना पड़ेगा। वीपीएस आपको जो है वो स्पीड में इशू नहीं करेगा, अगर आप स्पीडली काम करना चाहते हो स्पीड में इशू नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको वे बता दिए, इस तरह से आप अपना हीलियम का जो अकाउंट है वो लॉग इन कर सकते हैं और इसके ऊपर आप अपना जो है वो जो भी आपने प्राइवेट लेवल की हंटिंग वगैरह करनी हो आप इजीली कर सकते हैं।